हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई हरे धनिए की चटनी। ये कितना जूसी सॉफ्ट तैयार हुआ है चिकन फ्राई, खाने में लाजवाब होता है और झटपट बन भी जाता है। इसे प्याज और चटनी के साथ खाया जाए तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। 3 पाव चिकन लिए हैं, ये ग्राम से 750 ग्राम चिकन है। इसको अच्छे से धो लिए हैं। धोने के बाद इसे स्ट्रेनर में रख दिए थे जिससे इसका पानी निकल जाए। अब इसका लेग पीस लेके चाकू से कट लगा देंगे। कट लगाने से मसाला अंदर से भीन जाता है। सभी पीस में कट लग गया है। अब एक नींबू को काट लेते हैं। अब नींबू के रस को चिकन के अंदर डाल देंगे। 2-3 चुटकी फूड कलर लिए हैं, कलर इसे अच्छा आता है। 1 चम्मच नमक लिए हैं, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच लिए हैं, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिए हैं, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच डाले, इससे कलर बहुत प्यारा आता है। लहसुन अदरक 2 चम्मच डाल दिए, इसको हम पीस के रखे थे। दही 2 चम्मच डालेंगे। दो चम्मच कॉर्न फ्लोर डालेंगे बाइंडिंग के लिए। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। चिकन के पीस को नीचे से ऊपर करते जाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चिकन में मसाले सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इन्हें ढककर 2 घंटे रेस्ट के लिए रख देंगे। चटनी पीसने के लिए मिक्सर जार में 2 हरी मिर्ची तोड़ के डाल देंगे। नमक डाल देंगे, हरी धनिया डाल देंगे, अदरक 2 टुकड़ा डाल दिए, लहसुन 5-6 कली डाल दिए, 1 चम्मच दही डाल देंगे। इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। पीसने के बाद कटोरी में निकाल लिए। मैरिनेट किए हुए चिकन को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब इन्हें एक बार अच्छे से और मिला लेंगे। चिकन मिक्स हो गया है। अब गैस की तरफ चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। गैस पर 1 कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें चिकन को डालेंगे। 1-1 पीस करके ऑयल में चिकन को डालते जाएंगे। जितना ऑयल में अटेगा चिकन उतना डाल देंगे, जो बचेगा दूसरे बैच में फ्राई कर लेंगे। चिकन को डाले हुए 2-3 मिनट हो गया है। अब इसे पलट लेंगे। इसको हल्का सा घुमा घुमा के पलटना है। चिकन को पलट लिए हैं। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देंगे। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इन्हें अलट पलट कर थोड़ी देर और पकाना है। चिकन फ्राई हो गया है, लेकिन ये अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है। इसे हम डीप फ्राई करेंगे। इसको पहले निकाल लेते हैं। अब कोई कुटनी ले लेंगे या कोई हल्का भारी सामान लेंगे, उससे चिकन के पीस को हल्का हल्का इस तरह से दबा देंगे। अब डीप फ्राई करने के लिए ऑयल को खूब अच्छा गर्म कर लिए और गैस का फ्लेम हाई रखे हैं। अब इसमें चिकन के पीसों को डाल दिए। अब इन्हें भी चला लेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। दोनों बैच के चिकन फ्राई होके रेडी हो गए हैं। अब चिकन फ्राई को सर्व करते हैं। चिकन फ्राई हरे धनिया की चटनी खाने में लाजवाब होता है।
इसके साथ प्याज रख दिए और नींबू को भी रख दिए। ये कितना जूसी बन के तैयार हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट हुआ है। एक बार आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर, कमेंट करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।